नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरी चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे इंसान के बारे में जिसके पास दिव्य शक्ति थी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस धरती पर ऐसे ऐसे भी इंसान हुए हैं जो चमत्कारिक माने जाते हैं। ऐसे इंसानों की विलक्षण शक्तियों के बारे में जानकर विज्ञान भी हैरान रह गया है। आज से करीब 143 साल पहले अमेरिका में भी एक ऐसा इंसान पैदा हुआ था जिसके पास माना जाता है कि दिव्य शक्ति है। उसके रहस्यों को वैज्ञानिक भी आज तक नहीं सुलझा पाए। तो आइए जानते हैं कौन था वो इंसान। इस शख्स का नाम है एडगर काइसे। 18 मार्च 1877 को अमेरिका के केंटुकी में जन्मे एडगर जब 25 साल के थे तब उनके साथ एक बेहद ही अजीबोगरीब और आश्चर्य कर देने वाली घटना घटी थी। वह गिरने की वजह से कोमा में चले गए थे। डॉक्टरों की लाख कोशिशों के बावजूद वह होश में नहीं आए। लेकिन एक दिन अचानक एक चमत्कार हुआ और वो बोल पड़े। हैरानी की बात तो ये थी कि जब वो बोल रहे थे तब भी वह कोमा में ही थे, जबकि कोमा में रहने वाला इंसान हिलडुल पाता नहीं है और नहीं बोल पाता है। वह एक जिंदा लाश की तरह होता है। एडगर ने कोमा में रहते ही डॉक्टरों को बताया कि वह एक पेड़ के नीचे गिर गए थे, जिसके बाद उनकी हड्डियों और उनके दिमाग में गहरी चोट लगी थी। उन्होंने कहा कि अगर 2 दिन में उनका इलाज नहीं हुआ तो वे मर जाएंगे। उन्होंने डॉक्टरों को कुछ जड़ी बूटियां बताई और कहा कि अगर वह इन्हें लेकर आएंगे और 2 दिन में ही अंदर इंजेक्शन के जरिए उनके खून में पहुंचा देंगे तो उनकी जान बच जाएगी और हाँ, वो ठीक हो जाएंगे। इतना कहने के बाद वह फिर से उसी अवस्था में चले गए जैसा कोमा के दौरान कोई व्यक्ति रहता है। एडगर का कोमा के दौरान कुछ कह पाना पहले से ही डॉक्टरों के लिए एक चमत्कार था। ऐसे में उनके लिए यह और भी आश्चर्यचकित कर देने वाली बात ये थी कि एडगर ने न तो कोई डॉक्टरी की पढ़ाई की थी और न ही विज्ञान जगत में वो कुछ जानते थे। फिर भी डॉक्टरों ने मूर्छावस्था में कही गई उनकी बात मान ली और जड़ी बूटियां खोज कर लाए और इंजेक्शन के जरिए वो उनके खून में पहुंचा दिया। इसके बाद वही हुआ जैसा एडगर ने कहा था। वह कुछ ही घंटों में होश में आ गए। इस रहस्यमय घटना ने एडगर के जीवन को पूरी तरह बदल दिया। कहते हैं कि वह जब भी अपनी आंखें बंद करते थे और किसी रोग के इलाज के बारे में सोचते थे तो उन्हें उनका इलाज मिल जाता था। कहा जाता है कि उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में करीब 30,000 लोगों को मौत से बचाया था। विज्ञान जगत में उनका नाम चमत्कारिक पुरुष के रूप में दर्ज है। उनके ऊपर कई किताबें भी लिखी हुई है। 3 जनवरी 1945 को 67 साल की उम्र में अमेरिका के वर्जीनिया में उनकी मौत हो गई। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।